तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पारस डिफेंस के स्टॉक के बारे में। पारस डिफेंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगा था क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.59% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 751 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में 792, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 848, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में 896, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 928 एंड देन यहाँ हमको स्टॉक में 985, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1050 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 716 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 692 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 6722 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।